यूपी के फर्रुखाबाद के जिला मुख्यालय फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में कल से शुरू हो रही नामांकन प्रक्रिया को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट परिसर में नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष व एसडीएम सदर न्यायालय कक्ष समेत 4 कक्षों में प्रत्याशी नामांकन करेंगे। जिला अधिकारी और एसपी ने आला अफसरों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। फतेहगढ़ कलेक्टर के बाहर मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ बैरियर लगाए जाएंगे। प्रत्याशी के साथ प्रस्ताव को ही नामांकन कक्ष तक जाने की अनुमति रहेगी। प्रत्याशियों के साथ आने वाली भीड़ को बैरियर पर ही रोक दिया जाएगा। भारी पुलिस बल के साथ गंगा निरोधी दस्ता समेत अर्ध सैनिक बल तैनात रहेगा। तरीके की तैयारी, कितने बैरियर बनाएंगे, पिछली का फोर्स कंट्रोल। जो कल से नामांकन स्टार्ट हो रहा है उसके संबंध में डीएम साहब और हमारे द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। साथ ही साथ जो फोर्सेस की ब्रीफिंग भी कर दी गई है। कल सुबह हमारे 8 से 9 के बीच में फोर्स यहाँ पर रहेगा। साथ ही जो एस चेक वगैरह है वो सारे किए जाएंगे। प्लस यहाँ पर दोनों तरफ से कहाँ कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, बैरियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर किनको आने देना है, किनको कितने लोग अलाउड हैं, सबकी ब्रीफिंग कर दी गई है। और जो फोर्स है जो लगना है वो भी एंटी राइड गियर के साथ कल यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी शांति व्यवस्था के साथ में प्रॉपर ढंग से करवाई जाएगी। थैंक यू।